पाटलिपुत्र की जनता सुनो, मगध साम्राज्य में चारों ओर शांति स्थापित हो चुकी है। हाँ तो बताइए, क्या नाम रखा आपने? रघुनाथ। क्या होगा अजय का एक्स्ट्रा एफर्ट? पापा बेटी की जोड़ी आएगी ऑडियंस को कितनी पसंद? अजय देंगे खुद को ट्रेनिंग। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। महाभारत के अलावा अगर हमें कहीं से राजनीति का ज्ञान मिला है तो वो है चाणक्य की महान नीतियां। वही नीतियां जिसने चंद्रगुप्त को शासक बनाया और नंदा नरेश के लिए अपनी बेइज्जती का बदला। और आज इसी महान गुरु पर डायरेक्टर नीरज पांडे बनाने जा रहे हैं एक वर्ल्ड क्लास मूवी जिसका नाम है चाणक्य। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को प्ले करेंगे हमारे बाजीराव सिंघम यानी अजय देवगन। जी हाँ, ट्रिपल आर और तानाजी जैसी मूवी में अपने हिस्टोरिकल और इंटेंस रोल की फेमस करने के बाद अब अजय आ रहे हैं चाणक्य के रोल में। और तो और, अजय इस रोल के लिए काफी मेहनत भी कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने रणवीर को पद्मावत और रणदीप हुड्डा को सरबजीत मूवी के लिए करते देखा था। ऐसा सुनने में आ रहा है कि मूवी के सीन के कारण खड़ाऊ पहनकर चलने की प्रैक्टिस, बिल्कुल वैसे ही जैसे भूमि पांडेकर ने की थी सौंदर्य के लिए नंगे पैर 2 मील चलने की प्रैक्टिस। अब बस मूवी आने के बाद ये देखना है कि अजय अपनी इस ट्रेनिंग का कितना होता है सफल। बल्कि इस बार हमारे अजय अकेले नहीं करेंगे मूवी के लिए एफर्ट, उनके साथ साथ उनकी बेटी नायसा भी दिख सकती है पापा के साथ इस अपकमिंग मूवी में। अब काजोल और अजय जैसे फेमस एक्टर की बेटी नायसा कैसे करती है अपने पापा के लेवल को मैच, ये बात तो देखने लायक होने वाली है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि तनुजा से लेकर काजोल और तनीषा ने जैसे बॉलीवुड में अपने कदम जमाए थे, वैसे ही इस लेंथी एक्टिंग बैकग्राउंड के साथ नायसा भी अपना जलवा बॉलीवुड में बिखेर देंगी और ऑडियंस को कर देंगी अपना दीवाना। चलते चलते आपको बता दें कि अजय की मैदान भी बस थिएटर्स में आने के लिए तैयार है और किसी भी वक्त कर दे सकती है फैंस को बड़ा सरप्राइज। इसी के साथ हम आज लेते हैं आपसे इजाजत, लेकिन उससे पहले हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या पापा बेटी की जोड़ी हो पाएगी बॉलीवुड में हिट? क्वेश्चन का जवाब देने के साथ साथ वीडियो को भी पूरा देखिए और पसंद आने पर इसे लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि हम आपके साथ उनका फुल ऑन एंटरटेनमेंट कर सकें। धन्यवाद।